हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेसन में अप्रोक्सीमेशन के पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, और ये क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क प्री 2018 उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, 111111 ये डिवाइड हो रहा है 1111 से, और फिर ये डिवाइड हो रहा है 11 से, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करें, जहां भी आपको डिवीजन का निशान दिखता है सबसे पहले उसको मल्टीपल में चेंज करें, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर, जो अंश में है उसको हर में ले जाए। तो आप इसमें देखिए क्या है, 111111 गुणा 1/1111 और गुणा 1/11 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसमें देखिए 1111 है और ये 1111 के आगे 11 हो रहा है। अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन ले लूं कि इसमें इन दो को सिफर बना दूं, मतलब 111111 जो था 111100 कर लूं मैं उसको, तो 1111 से अब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 100 बार हो गया, और 11 और 100 को मैं करूंगा तो 1199, तो अप्रोक्सीमेट 9 आ गया आपका। तो 9 देखिए आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन उसके अकॉर्डिंग कीजिए कि जिससे डिवीजन आराम से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2418.065+88 और ये भाग किससे कर रहे हैं, 14.20×6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी वही करें 2418। अब इसके ऑप्शन देखें 1059, 2419, 2496, 2455, तो थोड़ी गुंजाइश है, बहुत तो नहीं है लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं। तो 2418.065 को आप 2418 ही कर लीजिए प्लस 88 और इनटू आप इसको 14 पॉइंट, ये नीचा चले जाएगा 14.20, तो 14.20 को 14 कर लीजिए और गुणा 6 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये 14.20 जो है और ये 88 से तो 88 इससे डिवाइड हो रहा है, फिर 6 से गुणा हो रहा है, तो 0.2 से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो 14 पंजो इसको जो 14 6 84 6 और 84 और ये 8 बच गया, तो आप इसका कितना कर सकते हैं, 4 14 42 6.3 के करीब। तो 6.3 अब आप इसमें आप देखिए 6 6 36 6 3 18 38 ले लीजिए आप इसको 2418+38 यहां अप्रोक्सीमेशन कीजिए 38, तो ये कितना आ जाएगा 18 और 38 8 48 8 56 2456, तो 2456 के आसपास का कोई देख लीजिए 2455 यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर क्या किया आपने, सबसे पहले आपने देखा कि इसमें गुंजाइश कितनी है, सबसे नजदीक ये 1955 और 55 से 96, मतलब आपके पास 15-16 का मार्जिन तो है ही एटलीस्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग 2418 ही करो इसको, क्योंकि ये तो ऐड होना है जस्ट, इसको 2420 करोगे कोई मतलब नहीं निकलता लंबा चौड़ा। अब ये 88 है, इसको 14.2 के बजाय आप 14 से ये अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, फिर जैसे ही आप डिवाइड करें और उसको मल्टीपल करें वहां आप अप्रोक्सीमेशन कर लें, उसमें टाइम खराब ना करें भाई। इसको 14 6 84 तो 6 बार तो चला गया पूरा, 4 बचा तो 14 3 42 मोटा मोटा, मतलब 40 में 0.2.8 और ऐसे नहीं करें, यहां अप्रोक्सीमेशन ले लें। तो 6.3 को 6 से करोगे तो 6 6 36 6+0.3 मानो इसको तो 36 हो गया, और 6 3 18 तो 38 के करीब, तो 38 और 18 56 2456। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके क्वेश्चन में, 5.6% ऑफ 240 इज भाग 0.3% ऑफ 480 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एक बार आप कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लें, पहले इनको लिख लें जैसे हैं वैसे ही, 5.6% का मतलब 5.6/100 × 240, और भाग को अगर एक बार इसको भाग को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या एक बार आप इसको भाग ही रखना चाहें अगर आप कंफ्यूज ना हो, तो 0.3% का मतलब 0.3/100 × 480 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें आप देखेंगे तो ये आपका इससे कट गया और ये हो गया आपका 4.8। अब इसको अगर 5.6/100 × 240 और गुणा 1/4.8×0.3, अब इनमें जो भी कट सकता है उसको काट लीजिए, ये आपका एक इससे कट गई, और इसको 10 से अगर आप गुणा करोगे तो ये आपका डेसिमल हट जाएगा,
और 24 को इससे डिवाइड करोगे तो 24 दुआ 48, तो आपका क्या बच गया है, एक्स के बराबर बच गया 5.6 और बटा 3.3 और 2 को गुणा करोगे तो 0.6। ये डेसिमल इनका हटा लीजिए दोनों का, और 6 से इसको करोगे तो 6 9 54, 9 से थोड़ा ज्यादा, तो 9 से थोड़ा ज्यादा। अब इसको आगे बहुत पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं, 6 9 54 आपको दिख रहा है कि 6 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये बी ऑप्शन 9.33 है, इसको आप टिक कर दीजिए। तो इस तरह के ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए कि डायरेक्ट जो जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, आप इसको 240 को 250 करें, 5.6 को 6 करें, इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है इन्हीं संख्याओं को रखते हुए भी आपको बहुत टाइम नहीं लग रहा, तो आप क्योंकि इसमें आपके पास गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, 8.33 8.43 बहुत नजदीक है, तो आप बहुत बड़े अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 69.3% ऑफ 440.12 और डिवाइड हो रहा है 14.06 से, और इज इक्वल टू 623.08 और डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। तो इसके अंदर आप क्या करें, जैसे 69.3% ऑफ ये है आपका 69.3% ऑफ 445, तो आप इसमें 69.3% को अगर 1% कितने के बराबर है, 4.45, 7% कितने 0.7 अगर करेंगे तो 7 और 2 3 का फर्क इसमें आ रहा है, बट उससे फिर वो संख्या 14 से डिवाइड भी हो रही है, तो 3/14 मतलब बहुत कम असर पड़ रहा है, आप इसको देखेंगे तो इसको 70% कर लें, 70/100 और गुणा 445। अब 445 को आप 450 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेशन फिर बढ़ जाएगा, और 440 करेंगे तो उल्टा ज्यादा ठीक रहेगा, और गुणा 1/14.06 को 14 कर लीजिए, इज इक्वल टू ये आ गया आपका 623.08 को 623 कर लो और डिवाइड कर लो एक्स, ये भाग इसको गुणा कर दिया इनटू 1/x से, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो क्या हो गया, 14 5 70 इससे कट गया, 5 को इससे काटोगे तो ये 20, और इसको इससे काटोगे तो 20 2 40 और 20 2 40 25 के करीब आ गया, 22 सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 623/22.25 है, तो इसको आप 22.25 को 22 कर लीजिए, और इसको 623 को क्या कर सकते हैं फिर आप इसको इसको घटा रहे हैं, तो इसको 620 कर लीजिए, तो इसको अगर एक बार और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 310/11। अब इसको डिवाइड कर लो तो 11 2 22 90 11 8 88 28 तो पॉइंट में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपका आंसर जो 28 के अराउंड है, तो इसमें देख लीजिए 28 ए ऑप्शन ही 28 है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। तो इसमें राउंड ऑफ बिगनिंग में बहुत ना करें, जब आप डिवाइड कर रहे हो, जब मल्टीपल कर रहे हो, उस वक्त उनको अप्रोक्सीमेट कर लें, ताकि आपको पता भी रहेगा कि मैंने अप्रोक्सीमेट कितना किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, 768.16 को डिवाइड कर रहे हैं 11.87 से, और फिर गुणा कर रहे हैं अंडर रूट 257 से, -58.05 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर अपने क्या इसके ऑप्शन देखें फिर, 1043 है, 1175 है, 966 है, 966 और 975 बहुत ही नजदीक के ऑप्शन है, तो आपके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो मैं जैसे इसको 768 है, 11.87 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे 11.87 को 12 करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो 11.87 को मैं 12 कर रहा हूं, तो आप देखेंगे तो करीब मैं 1% इसका बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं इसको 1% बढ़ाऊं तो ये करीब हो गया 775, तो 768 को मैं मान लो 775 गुणा 1/12 गुणा, अब ये 16 16 256, तो ये तो करीब करीब एग्जैक्टली 16 ही हो गया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ा लंबा चौड़ा, तो ये हो गया 16 और ये 58.05 को 58 कर लिया, और ये हो गया एक्स। अब आप इसमें देखिए, 4 3 12 और 4 4 16, 3 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15, 3 2 6 17, 3 5 15 25, 3 8 24, ये करीब करीब 258 आ गया, और ये यहां से कट गया, तो 258 को 4 से करेंगे तो 250+8 मानो इसको, तो 250 को 4 से करेंगे तो 1000 और 8 को 4 से करेंगे तो 32, तो 1032 -58 इज इक्वल टू एक्स। अब 1032 में से 58 के लिए 1032 में से 100 घटा लीजिए, 932 और 42 वापिस जोड़ दीजिए,
तो 42 और 72 974, तो ये कितना आ गया 974। तो आप इसके अंदर देखिए 974, तो नजदीक आपका 975, इसमें इसको टिक कर दीजिए, क्योंकि 66 और 75 आप थोड़ा बहुत भी अगर इसको आपने 768 कर लिया और इसको 12 कर लिया तो ये आंसर आपका 966 की तरफ आ जाएगा और आप इस पे टिक करके आएंगे। तो इसमें ऑप्शंस में गुंजाइश नहीं है, तो आप अगर इसको 711.87 को तो आपको राउंड ऑफ 12 करना ही है, तो आप इसमें देखें कि इसको 1% बढ़ाया तो 1% से अपने इसको भी बढ़ा दें ताकि जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो 768 को 1% बढ़ा के 775 या 76 आप जो करेंगे तो ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये 975 पे आप टिक कर दें। तो ये था आज का वीडियो, ये वीडियो आपका वो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, और भी कोई किसी टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें भेजें आपकी रिक्वायरमेंट, वो भी वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सब आखिर।